सो हेलो एवरीवन, मेनली आज का ये जो वीडियो है ये मेनली वीडियो है अबाउट हाउ टू अटेम्प्ट मोर देन 130 प्लस क्वेश्चंस और 125 प्लस क्वेश्चंस, क्योंकि हमें पता है ये वाला पेपर थोड़ा सा स्लाइटली टफ भी आएगा, मॉडरेट भी आएगा, जैसा भी आएगा बच्चे प्रिपेयर्ड हैं, बच्चे अच्छा अटैम्प्ट करेंगे, अभी भी मॉक्स में अटैम्प्ट कर रहे हैं, तो आप किसी भी हाल में कांट अफोर्ड टू लूज, है ना, कि हम अटैम्प्ट ही नहीं करें। पहला, सेकेंड, हम हमेशा जब भी मॉक देते हैं ना, हमें लगता है ना कि हमने कोई ईजी क्वेश्चन था वो मिस कर दिया, हम तो ईजी कर सकते थे, हम तो ये 5-10 मार्क्स ला सकते थे, और वहीं इसका आंसर है कि हमें कैसे ज़्यादा अटैम्प्ट करना है। ठीक है, फर्स्ट सिक्वेंस मैंने आपको बता दिया था, जीके, लीगल, इंग्लिश, लॉजिकल, मैथ्स, और लॉजिकल लीगल जीके ये फर्स्ट हो गया, इसके बाद लॉजिकल को इंग्लिश, लॉजिकल थर्ड, इंग्लिश फोर्थ, और फिफ्थ मैथ्स, ऐसे। अब कभी भी जो पूरा पेपर होता ना, होता कैसा है, वो इजी इजी टफ, इजी इजी टफ, इजी इजी टफ, इट्स मोर लाइक अ शेयर मार्केट, पूरा पेपर ऐसे होता है, और हमेशा कभी भी पूरे पेपर में ना पूरा पेपर टफ नहीं होता है, इट्स हमेशा मॉडरेट टू टफ। 2020 के पेपर में भी बहुत सारे इजी क्वेश्चंस थे, जिन बच्चों ने भी इजी क्वेश्चंस किए हैं वो एनएलयू में है, जिन्होंने फंस गए किसी क्वेश्चन को ईगो पे ले लिया, और नहीं है एनएलयू में, प्राइवेट कॉलेजेस में है। अब आपको सिंपल होता क्या है, हम मैं आपको एक डे का एग्जाम्पल देता हूँ, आपका कोई भी दिन है, कुछ एक ऐसा इंसिडेंट होता है ना पूरा दिन खराब हो जाता, ऐसे ही अगर पूरे पेपर के बीच में आप ऐसा कुछ टफ क्वेश्चन में फंस गए या टफ क्वेश्चंस में आपने टाइम वेस्ट कर दिया, तो आपको पूरा पेपर खराब हो सकता है, टाइम चला जा सकता है, पैनिक कर सकते हो। तो हमेशा अवॉइड करना कि हम इनिशियली ईजी क्वेश्चंस को टारगेट करें, फिर हम बाद में टफ में आए। ठीक है, अब देखो एक सिंपल सा फंडा है, हमारा ईजी क्वेश्चंस में स्पीड, एक्यूरेसी, सब कुछ और अंडरस्टैंडिंग अच्छी होती है, हम अच्छे से कर भी पाते हैं, सब कुछ कर पाते हैं, जैसे टफ आता है हमें स्पीड, एक्यूरेसी और अंडरस्टैंडिंग कम हो जाती है, राइट। बट चलो उससे प्रॉब्लम नहीं कि उसमें कम हो रही, बट होता क्या है ना, दैट कंटिन्यूस, अब टफ क्वेश्चंस के बाद आप इजी पे भी जाओगे ना, तो आपको वहाँ भी इसकी स्पीड और एक्यूरेसी कम ही हो जाती है, सिंपल सा फंडा है। तो कभी भी आपको, मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ कि पहले इजी इजी क्वेश्चंस कर लीजिए, इस पेपर में ना जो भी पेपर आप दोगे क्लैट, कोई मॉक उठाओ ना, मैं भी मॉक देता हूँ रेगुलरली, मैं भी अटेंड कर रहा हूँ 130 प्लस, मैं भी एक अच्छे स्कूल आ रहा हूँ, और आई ऑलवेज ट्राई कि मैं किसी को सजेस्ट कर रहा हूँ तो मुझे उस प्रोसेस में जाना चाहिए, ऐसे हवा में आई कांट सजेस्ट एनीथिंग। तो एक सिंपल सा फंडा है, पूरे पेपर में 100 क्वेश्चंस आप 2021 ले लो, 2020 ले लो, आप उससे पहले कभी ले लो, 100 क्वेश्चंस आपके ऐसे होंगे जो इजी होंगे, 50 होंगे जो टफ होंगे, 40-50 टफ, 100 और 110 इजी। हमारा पहला टारगेट होना चाहिए इजी क्वेश्चंस को करने का, कैसे करेंगे उसको, देखो किसी पेपर में 70% होंगे इजी क्वेश्चन, 30% होंगे टफ क्वेश्चन, हमें कैसे प्रोसीड करना है ये मैं आपको बता देता हूँ, सिक्वेंस मैंने बता दिया था आपको। और कभी भी जो आपका कॉम्पिटिशन है ना, इजी क्वेश्चन तो है ही नहीं, इजी तो बेसिक है, ये तो करना ही है, कभी भी अगर तुम्हारे लिए मार्क्स हमारे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट किसी भी क्वेश्चन पेपर में मॉक में अगर आप इजी क्वेश्चन छोड़ दो, तब आपको गिल्ट होना चाहिए, तब सोचना चाहिए कि यार मैंने इजी कैसे छोड़ दिया, क्योंकि वहाँ कोई इजी नहीं छोड़ेगा आपको, जो रियल कॉम्पिटिशन ना, रियल ये 80,000 बच्चे नहीं है, जो हार्डली जो 8-10,000 जो सही में अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हैं, ये आपका कॉम्पिटिशन है, जो आपसे आपकी रैंक, जो आपके मॉक में रैंक आ रही है ना, अगर आपकी 100 आ रही, 200, 500 आ रही, जो आपसे ऊपर है ना 100 लोग, जो 200 लोग, ये आपका रियल कॉम्पिटिशन है, ये इजी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे, आप छोड़ देते तो वैसे ही, अगर आप इजी छोड़ दो तो वैसे ही आप आउट ऑफ द कॉम्पिटिशन हो। तो 100 क्वेश्चन अगर ईजी हैं वो हमें ज़रूर करने हैं। अब कैसे करना है, पहला हमें एक एलिमिनेशन मेथड हमेशा अप्लाई करनी चाहिए, हम जीके से स्टार्ट करें तो जीके में हमें जरूरत नहीं है, जीके में तो 8 मिनट में मिनिमम भागना है, क्वेश्चन देखो आंसर देखो, क्वेश्चन देखो आंसर देखो, लगाओ और आगे बढ़ो, 10 मिनट्स तक जा सकते हैं, उससे ज़्यादा टाइम लेना डू नॉट मेक सेंस। ठीक है, क्योंकि जीके में हमें टाइम बचाना पड़ता है, क्योंकि बाद में तो लगने वाला है ना, लीगल में, लॉजिकल, इंग्लिश में टाइम लगेगा ही, जीके हमने कर लिया, हमने लीगल सेक्शन को स्टार्ट करने से पहले 1 मिनट लिया, अभी तक हम इतने सारे मॉक्स दे चुके हैं कि हमें क्वेश्चन देख के समझ आ जाता है कि यार हमने पढ़ा हुआ है या नहीं पढ़ा। तो क्या क्राइटेरिया है, जो हमें पढ़ रखा है वो हमें पैसेजेस करने हैं, जो इजी है वो करने हैं, सेकंड जो लेंदी है या जो टेक्निकल है या जो हमने नहीं पढ़े हैं वो हमें लीव कर देने हैं। तो लीगल में शुरू के 1 मिनट में आप पूरे 8 पैसेज को एक बार देख लो, पेन ले जाओ, अच्छा ये पढ़ा टिक, आईपीसी पढ़ा है टिक, टॉट पढ़ा है टिक, अच्छा ये कॉन्ट्रैक्ट तो आते ही टिक, ऐसा कुछ आ गया यार ये तो मेडिकल नहीं, कुछ ऐसा आ गया कि यार टर्मिनेशन वाला आ गया, ये तो नहीं पढ़ा है, कुछ ऐसा जो आपने नहीं पढ़ा है और लग रहा टेक्निकल है, टाइम टेकिंग है, एलिमिनेटेड फॉर द टाइम बिंग, पूरे से एलिमिनेट नहीं कर रहे उस टाइम के लिए। अब ऐसा एक क्वेश्चन हो सकता है, दो हो सकते हैं, आपने ऐसे को एलिमिनेट कर दिया, अब
अब आपके पास टाइम जितना है आप इजी क्वेश्चंस को करो, आपको फ्लो नहीं टूटेगा, आपने चलिए ले जाके इजी क्वेश्चंस कर दिए, टफ को अपन बाद में देखेंगे। लीगल सेशन हो गया, हमने 30 कर लिया, 35 कर लिया, 5 वाला छोड़ दिया। अब हम आगे आए, हम कहाँ पे आए, हम आए क्रिटिकल वाले पे या इंग्लिश वाले पे, इंग्लिश पे आए, वही सेम मेथड। हमने अपना एक मिनट लेकर 6 पैसे जूते, हमें अच्छा कोई ओवरव्यू देख, अच्छा ये लेंदी है, ये तो चलो साइंस की बात करा चाहिए तो मुझे आता है, कोविड का करेंट का ठीक है ठीक, क्योंकि बहुत सारे क्रिटिकल में और इंग्लिश में करेंट की होंगी, जैसे लास्ट ईयर था उसके लिए मैंने एल्टोला को शेयर कर रखा है, उनको पढ़ लीजिएगा। इंग्लिश में क्या करना है, अच्छा एक मिनट हर सेक्शन से पहले लेना, ये एक मिनट बहुत हेल्पफुल रहेगा आपको, आप टफ क्वेश्चन में फंसोगे नहीं। इंग्लिश में क्या क्या, ये काफ़ी लेंदी है तो टेक्निकल लग रहा है तो साइंस की बात कर रहा है मुझे आता नहीं, आपको अपने वीक एरिया पता है और हम 40 मिनट 50 मिनट दे चुके हैं, इतना सेक्शनल टेस्ट दे चुके हैं तो हमें एक आइडिया हो गया कौन सा क्वेश्चन टफ होता है कौन सा ईजी होता है। तो भाई इंग्लिश में गए, एक ऐसा कोई टफ पैसेज हो उसको एलिमिनेट कर दीजिए आप, कर दिया इजी जी गए, फ्लो में गए, स्पीड में। हमारा जो टाइम फ्रेम ना कि सर इतना हमने आपने टाइम बताया उससे ज़्यादा लग जाता है, नहीं लगेगा, अब कम ही लगेगा आपको। अब मान लो 40 मिनट लगते थे आपको लीगल में, मैं टफ पीछे के लिए छोड़ दें तो यहाँ 35 लगेंगे, 35 मिनट में ज़्यादा अच्छे से। तो आप जो एक सेक्शन छोड़ रहे हो ना, एक जो पैसे छोड़ रहे हो 5 मार्क्स का, ये आपको एश्योर कर रहा है कि बाकी पूरा सेक्शन आपका एक्यूरेसी स्पीड अच्छी रहे। अब हमने कैसे कर लिया, जीके हो गया, हमने लीगल पे एक एलिमेंट कर दिया, हमने इंग्लिश में एक एलिमेंट कर दिया, हमारे लॉजिकल पे, लॉजिकल में भाई हमने एक मिनट में सारे पैसे से देख लिया, टिक मार कर लिया, चलो ये हम करेंगे ये नहीं करेंगे, इसको हम एलिमिनेट कर रहे हैं बात के लिए, छोड़ नहीं रहे हैं बात के लिए। ऐसे करके हमने जीके, लीगल, इंग्लिश, लॉजिकल कर लिया। अब हम जहाँ पे आ गए, अब हमारे पास सामने मैथ्स के क्वेश्चन है, 15 मैथ्स बचा है और ऐसे 20 क्वेश्चन जो हम छोड़ते हुए आए थे वो बचे हैं, राइट, 15 हो सकते 20 हो सकते, तो टोटल कितना हो गया, 35 क्वेश्चंस हो गया। अब टाइम भी कितना बचा होगा, 15 मिनट हमारा मैथ्स का बचते ही है और हमने ये छोड़े हैं तो 15-20 मिनट ही बचा होगा। अब हमारे पास 30 क्वेश्चंस हैं और 30 मिनट बचा हुआ है इन क्वेश्चंस में बस। अब इसमें भी अगर आप मैथ्स में अच्छे हो, जस्ट देखो ईजी से वो देखो, एलिमेंट्री क्वेश्चंस ईजी का डी आई देखो, करके ख़त्म करो, डी आई टफ एक लग रहा छोड़ दो। इसके बाद अब लीगल में, इंग्लिश में और लॉजिकल में जो आपको लगे यार ये मैं कर सकता हूँ उसको करो, इसे ऐसे कर करके ऐसे दो क्वेश्चन जो एकदम ही टफ होंगे छोड़ दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। और वो एकदम टफ है ना तो और बच्चों से आपको उन पर तो कॉम्पिटिशन नहीं है ना, वो तो और सब बच्चे गलत ही करेंगे या तो उसमें कम मार्क्स आएंगे, समझ गए। तो ऐसे करके हमें पूरा पेपर नहीं करना, हमें ऐसे 150 के 150 नहीं करना है, स्कूल का एग्जाम नहीं है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, आपसे जो एग्जाम करा रहा है ना वो चाहते भी नहीं कि आपसे पूरा पेपर बने, स्कूल का पेपर नहीं है चलो 100 out of 100 करो, नहीं, हर सेक्शन में और मोस्ट प्रॉब्ली वो फर्स्ट क्वेश्चन होता है और कई बार वो लास्ट होता है, ये आप अंडरस्टैंड रखना, आपको समझ आएगा करने के बाद ये, तो आपको ये मिस नहीं करना। अगर ये अगर आप फंस गए टफ में आपको गेम वहीं करना है और वहीं पे, कभी भी इजी क्वेश्चन आप नहीं करोगे होगा क्या, आपने क्या किया 4 सेक्शंस के बाद आप अराउंड 110 क्वेश्चन कर चुके होंगे, 115, क्योंकि ईजी थे तो आपकी एक्यूरेसी भी अच्छी होगी, एटलीस्ट आपकी 90-85% एक्यूरेसी होगी, आप 100 के अराउंड आप स्कोर कर लोगे, 90 स्कोर कर लोगे। इसके बाद जो आपका आएगा मैथ्स में के 15 क्वेश्चन और जो हमने छोड़े थे ऐसे 15-30, इसमें से 20 भी कर लिए, 15 मार्क्स भी आ गए, 10 मार्क्स भी आ गए, तो आप अच्छे रीजनेबल स्कोर पर जा पाओगे, क्लियर। एलिमिनेशन मेथड यही कहलाती है, हमें टफ क्वेश्चन में फंसना नहीं है, हमें इजी एक लाइन से खत्म कर लें, टफ को हम बाद में देखेंगे, ठीक है। इवेंचुअली हाँ हमने अगर अब किस में एलिमेंट नहीं करना है, कौन सा ऐसा सेक्शन इसमें एलिमेंट नहीं करना है, जो आप पे स्ट्रॉन्ग है, आपको लगा कि नहीं यार मेरे लीगल में हमेशा 34-35 आते हैं, 33 आते हैं, आपको एलिमेंट नहीं करना उस सेक्शन को, जिसमें नहीं आते जो वीक उसमें आप कर सकते हैं, इंग्लिश और क्रिटिकल में तो करना ही चाहिए, फंसने नहीं है उसमें, ओके। अब कभी भी जब आप पेपर कर रहे हो तो इंग्लिश में और लॉजिकल में क्वेश्चन को पहले पढ़ लिया करो। लॉजिकल में क्या होता है, इन्फ्लुएंस बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, उनसे मेन आइडिया पूछा जाता है, मे बी वो आपसे वीकनिंग पूछते हैं, जब आप पढ़ लेते हो ना तो पैसे में समझ आ जाता है, पैसेज को स्किम करके जल्दी जल्दी पढ़ना है। कई बार जिन ये सब सजेशन उनके लिए है जो 50-60 मार्क्स ला रहे हैं, 70 आ रहे हैं, इनको इंग्लिश और क्रिटिकल में बहुत प्रॉब्लम आ रही है। सिंपल सा फंडा है, क्रिटिकल का पहला और इंग्लिश में आप पहले क्वेश्चंस पढ़ लीजिएगा, पहला। सेकंड, आप पैसेज को जब पढ़ें, जब पैसेज को पढ़ें नहीं आया समझ में तो 2-2.5 मिनट में हमने पहली बार रीड कर लिया, क्योंकि इसमें आपके मार्क्स नहीं आ रहे हैं, तो आप एक बार और कर लो, 40 सेकंड से एक मिनट दोबारा से पढ़ लो, जो आपने लिखे ना, अब जो रीड बिटवीन द लाइंस है ना वो आप मिस कर रहे थे ना, वो आप दोबारा से पढ़ लो, आपकी स्पीड एक्यूरेसी बढ़ जाएगी। ये सजेशन था अटेम्प्ट को लेके, ये सजेशन था आपको टोटल अटेम्प्ट कैसे बढ़ाने हैं, ये सजेशन था एलिमिनेशन को लेके, पूरा मैंने आपको बता दिया है। तो यही है गाइस, ऑल्सो बहुत सारे बच्चे 1000+ बच्चों को मुझे रोज टेक्स्ट आते हैं, वो अपने मॉक्स को मुझे भेजते हैं,
जब मॉक्स को आप भेजते हो ना, कई बार क्या होता है ना, हमें अपनी गलती खुद समझ में नहीं आती। कई सारे बच्चे हैं, 100+ 200+ बच्चे, जिनको मैं अभी बताया था ना लास्ट वीडियो में, जो 115 ला रहे थे वो 80 वाले बच्चे थे, वो 70 वाले थे, उनको हम 115 तक ले गए हैं। हर मॉक के बाद उन्होंने कुछ मॉक स्कोर भेजा, हमने कहा नहीं यहाँ गलत है, उन्होंने मॉक स्कोर भेजा, हम उनको लिख के भेजते थे, अनुपम भी भेजता था, मैं भी भेजता था कि नहीं यार इसमें स्कोप है, अभी भी इसमें इम्प्रूव कर सकते हो। अगर आपका लीगल में आप अगर 25 ला रहे हो, 33 तक जाने का स्कोप है। आपका स्कोर अगर 80 आ रहा है तो आपका पहला स्कोर आपका 100 का, सिंपल सा फंडा है। आप जब भी आप मॉक दें, अभी तक जितने भी मॉक्स दिए हैं लास्ट रिसेंट के 3-4 मॉक्स का स्कोर और सेक्शन में जितना स्कोर आ रहा है, नीचे जो मेरा नंबर है, आप व्हाट्सएप वाला, मोस्टली मैं व्हाट्सएप ही मैं यूज़ करता हूँ, टेलीग्राम पर बहुत सारे मैसेज आते हैं ना, इट्स वेरी डिफिकल्ट, व्हाट्सएप पे आप नहीं करते व्हाट्सएप पे तो आप टेलीग्राम कर सकते हो, मेन प्रायरिटी व्हाट्सएप करिएगा। आप जब स्कोर भेजते हैं उसको मैं एनालाइज करता हूँ, और मैं डेली 1000+ स्कोर भेज रहा हूँ तो एक कन्फर्म अंडरस्टैंडिंग आ गए कि ये कहाँ और कौन सा पॉइंट है जो मैं मिस कर रहा हूँ। सिंपल एलिमिनेशन मेथड जो आपको बताया हूँ, इस अकेला करने से आपके 10-15 मार्क्स इवेंचुअली इंक्रीज हो सकते हैं। टफ में कभी नहीं फंसना है। लास्ट ईयर मैथ्स के एक टफ क्वेश्चन में बच्चे फंसे थे, डन, उसने हजारों से ज़्यादा बच्चों के मार्क्स करवाए थे, सब कुछ हुआ था। तो आई डोंट वांट वो आपके साथ हो, बस एग्जाम है, टफ में नहीं फंसना है, ईजी करो, ईजी वाले से कॉन्फिडेंस भी आता है और फ्लो में हो जाए, फ्लो मत तोड़ना, फ्लो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, लास्ट में हम देख लेंगे, ठीक है। तो मेरा जो नंबर है, आप अगर 100+ ला रहे हो आपके लिए अलग तरीके से आई एक्सप्लेन कैसे और इम्प्रूव, 110 जाना है, 120 जाना है, 90 ला रहे हो हम 110 कैसे जा सकते हैं, वाइल एक्सप्लेन, तो मेरा नंबर है, आप उस पर अपना मॉक्स को जरूर आप सेंड करेगा, और वही रिसेंट के 3-4 मॉक्स को उसको मैं एनालाइज करूँगा। अगर कोई डाउट आ रहा है आप सीधे कॉल भी कर सकते हैं। तो इस पूरे वीडियो में से कोई भी डाउट है आप मैसेज करिए, आप कॉल करिए। अभी तक हमने ऑलमोस्ट अलाइनमेंट प्रोग्राम का आप सभी पार्ट है, नहीं हो तो ज्वाइन कर लो, दिस इज माय सजेशन, मैं आपको लिंक दे दूँगा। इसके बाद जो अगला वीडियो आने वाला है वो वीडियो होगा कि नेक्स्ट 7 डेज आपको एक्चुअली क्या क्या करना है। आपको कुछ कुछ मेन पॉइंट्स आपको बता देता हूँ। जीके का रिवीजन करना है पहला आपको, सेकंड जीके रिवीजन हो गया आपके बाद, आपको मॉक्स जो आपने दे रखे हैं उनको रिवाइज कर लो, उनका लीगल वाला सेक्शन, उनका जीके वाला सेक्शन तो याद कर लो, ठीक है। होगा कुछ नहीं, जो आपने मॉक्स दे रखे हैं ना, 10 दिए हैं, 12 दिए हैं, 30 दिए, 40, इनको रिवाइज कर लोगे ना आपने। अगर जैसे मैथ्स में क्या होता है, 15 क्वेश्चन हर मॉक में आते हैं, आपने अराउंड अगर 20 मॉक भी दे रखे हैं तो हम 300 क्वेश्चन हो चुके हैं, इन्हीं के अराउंड ही आएगा, इसके बाहर कुछ पेपर नहीं आने वाला। अब एकदम नए सोर्सेस में मत भागना, जो हम मॉक्स दे चुके हैं बेस्ट है, उनको आप देखोगे समझ आएगा। इंग्लिश वाले पैसेज में ग्रामर याद कर लो, उनका वोकैब याद कर लो, इंटरनेशनल में याद कर लो, क्रिटिकल में देख लो। कई बार क्या होता है ना, जिन भी सेक्शन में आप वीक हो ना, आपको लग रहा है कि सर हमारा इंग्लिश में आते नहीं है मार्क्स, हम 15 पे अटके हुए हैं, हमारा क्रिटिकल भी 15 है, सिंपल से डेली के 30 पैसेजेस उठाओ, जीमेट मैनहट्टन को बेस बना लेना क्रिटिकल रीजनिंग के लिए, इंग्लिश के लिए बेस बनाना अनु शर्मा को। इसके बाद इन पैसेजेस पे जाइए, क्वेश्चन देखो, पढ़ो पैसेज, आंसर देखो। दिस अब बहुत प्रैक्टिस वाला है, ठीक है, कम कर दो थी प्रैक्टिस, अब हमारा एकदम हिट करना है ना कि कहाँ हम छोड़ रहे हैं। मैथ्स में यार मैं मैथ्स में वीक था एकदम, हमें ना 20 मार्क्स से मैथ आती थी, 2 मार्क्स आते थे मेरे, मेरा क्लियर हुआ तो मैथ्स के कारण हुआ है। मैंने लिटरली, हमें क्या लगता है हम से कंसेप्ट से सीखते हैं, नहीं, हम क्वेश्चन से भी सीखते हैं। हम मॉक देने को क्यों बोलते हैं, क्योंकि आप क्वेश्चन से सीखते हो ना, मॉक से आप सेक्शनल टेस्ट से सीखते हो। लिटरली मैथ्स को मैंने क्वेश्चन देखा, अच्छा ये वाला क्वेश्चन आएगा मैं ऐसे करूँगा, ये आएगा ऐसे करूँगा, लिटरली सीख के 14.5 नंबर आए थे मैथ्स में, उसी ने बचा के मुझे क्लैट क्लियर करा दिया था। तो आप इंग्लिश में वीक हो, आप मैथ्स में वीक हो, आप लॉजिकल में वीक हो, कोई नहीं, डेली का कम से कम 20-30 पैसेजेस का टारगेट रखो, पैसे देखने हैं, क्वेश्चन देखना, अच्छा यार हिट करेगा आपको कि मैं क्या गलत अप्रोच कर रहा हूँ, मैं क्यों मिस कर रहा हूँ इस पार्ट को, क्योंकि ये तो आ जाता आसानी से। ऐसे करके आप करिए, आप आसानी से कर सकते हैं। अगला वीडियो 7 डेज के लिए, पहला क्या बताया मैंने, रिवाइज करना है आपको अपने ये सब अपने मॉक्स को, सेकंड अपना करंट अफेयर का 17-18 जुलाई तक पूरा अपना लास्ट MIT मैंने दिया है उसको बेस बना के अपना खत्म करिए, थर्ड आपको लीगल का इंपॉर्टेंट टॉपिक का करंट अफेयर वाला लिस्ट में आपको आज या कल मैं दे दूंगा उसको करके, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन करेंट आएंगे वो। लीगल में और क्या करना है, लीगल में आपने अभी तक आपको समझ आ गया होगा कि कौन कौन से कंसेप्ट हैं, एडल्ट्री, डिफेमेशन, नेग्लिजेंस, न्यूसेंस, डिस्ट्रिक्ट लाइबिलिटी, मेडिकल नेग्लिजेंस, बहुत इंपॉर्टेंट, लिख के रख लीजिए। हमने कल के लिस्ट में क्या डाला है, जैसे ही लास्ट क्या आया था, भाई से गेस्ट लीक आया था ना, उन्होंने उसको न्यूज़ दिया, उसके अंदर डिस्ट्रिक्ट लाइबिलिटी पूछ लिया। इस बार हाई चांसेस हैं लीगल में कि किसी भी हॉस्पिटल के साथ, हॉस्पिटल्स में ऑप्शन खत्म हुआ है, लोगों की डेथ हुई है कोविड पेशेंट्स की, वो दे रहे हैं न्यूज़, और नीचे आस दे में आस का वर्ड मेडिकल नेग्लिजेंस, बहुत अच्छे से पढ़ लेना। तो लीगल के जो करंट वाला पढ़ना है जो मैं लिस्ट दूंगा आपको, ऑलरेडी अभी पता है ना कि यार सेडिशन न्यूज़ में है, लक्सरी वाला न्यूज़ है, मैं मदास हाई कोर्ट LGBT जजमेंट न्यूज़ में, ये पढ़ लेना। सेकंड जो लीगल के कंसेप्ट हैं, आपने इतने सारे मॉक्स दिए, जब आप रिवाइज करोगे आपकी 20-30 टॉपिक की लिस्ट बन जाएगी कि हाँ सर
डिफेमेशन बार बार आ रहा है, राइट टू इक्वालिटी बार बार आ रहा है, राइट टू लाइफ आ रहा है, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन आ रहा है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन आ रहा है, इन सारे को बेसिक टॉपिक को लिख लो। इनको एक बार आपको आई पी लीडर से जरूर पढ़ना। आई पी लीडर्स की स्पेलिंग IPLEADER, आई पी लीडर्स ब्लॉग लिखना आ जाएगा, और लीगल सर्विस इंडिया, इन पे जब आप सीखे पढ़ोगे ना फिर आई ओपनर होगा वो आपके लीगल में। होता ना हम दो पे डाउट में आ जाना, नहीं आओगे आप, सिंपल है। आप जाके इन पे कंसेप्ट को पढ़िए, आपको जब आप इन पे पढ़ोगे ना, ये आपको सिंपल नहीं है, फर्स्ट ईयर के लॉ स्टूडेंट्स के लिए है, बट क्योंकि क्या हुआ लास्ट ईयर पेपर में उन्होंने लीगल रीजनिंग में आपसे सीधे सीधे एस आर बोम्बई हो गया, अन्ना गोस्वामी हो गया, सब सारे थीसिस पूछ देते हैं, सिर्फ दे वॉन्ट कि आपको लीगल रीजनिंग आनी चाहिए, तो ये आप कंसेप्ट क्लियर कर लीजिए। अब सेक्शन वाइज बता दूं मैं आपको, जीके का रिविजन बता दिया, लीगल मैंने बता दिया आपको कैसे करना है, एक 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 मिनिमम है सारे सब्जेक्ट्स का, एक एक सेक्शन अटेस्ट आप रोज दीजिएगा मिनिमम, ये आपको मिनिमम रहेगा। मॉक उस दिन आप देखो नेक्स्ट मॉक कितने देने हैं, आपको 4 से 5 मॉक आप दे सकते हो, आगे जो भी आपके 7 ही दिन बचे हैं 8 ही दिन बचे हैं, तो 3-4 मॉक्स में भी इनफ होगा। 20th को मॉक देना मन कर देना, अगर आपको लग रहा है कि नहीं मैं मॉक देना मन करती हूँ तो मार्क्स, तो 21st होगा लास्ट है, 22nd के दिन मत देना मत देना मत देना, 22nd के दिन क्या कर सकते हो 2-4 में सेक्शन अटेस्ट दे देना, ये हो गया। इंग्लिश में क्या करना है, हाई फ्रिक्वेंसी वर्ड की लीगल इसकी लिस्ट है, उसको रिवाइज कर लीजिए, अपने बेसिक ग्रामर रूल्स देख लीजिए। लॉजिकल में क्या करना है, जीमैट मैनहट्टन का चैप्टर नंबर 3 एम के पांडे का लॉजिकल लिस्टिंग है, एम के पांडे का चैप्टर नंबर 3-5 को रिवाइज करिए, जीमैट मैनहट्टन को बेसबुक बनाइए आगे की प्रैक्टिस के लिए, एक सेक्शन अटेस्ट जीमैट क्लब से आप जरूर दीजिएगा। आरसी में क्या करना है भाई, एक आपका सेक्शन अटेस्ट मिनिमम, ग्रामर वगैरह रिवीजन कर लीजिएगा। मैथ्स का मैंने बता दिया, हमने इंपॉर्टेंट टॉपिक की लिस्ट दिया ना मैथ्स में आपको, उसको स्टिक रहिए, कंसेप्ट में डाउट आ रहा है यूट्यूब का चंद्रहा सर का यूट्यूब पे चैनल है, स्मार्ट स्टडी करके सारी कंसेप्ट वहाँ से पढ़ लीजिए, मैथ्स आपका हो जाएगा। क्रिटिकल रीजनिंग में एनालिटिकल को मिस मत करना, एनालिटिकल के लिए सेटिंग अरेंजमेंट, कोडिंग डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन का हमने लिस्ट दिया हुआ है, उनको आप पढ़िए रिवाइज करिए, एम के पांडे से कर सकते हैं वहाँ मिल जाएंगे आपको, नहीं तो आर एस अग्रवाल की वर्बल नॉन वर्बल में जो नॉन वर्बल पार्ट है ना वहाँ आपको मिल जाएगा। अब एनालिटिकल में कहाँ से कर सकते हैं, अंकुश लांबा का एक चैनल यूट्यूब चैनल है, बहुत अच्छे से 5-5 मिनट में सारा आपका एनालिटिकल क्लियर कर देगा, तो ये आपका प्लान हो, मैं उसको डिटेल में लिख भी दूंगा, एक अलग से मैं वीडियो बना दूंगा 7 डेज वाला, फिर मैं अपने हिंट में आपको बता दिया। तो गाइस ये था पूरा वीडियो में, और आगे बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोज आने वाले हैं, तो आपने सब्सक्राइब नहीं किया आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, और मेरी जो बेल आइकन होगा उसको हिट कर दीजिए, सो दैट आपको जैसे ही आप मैं वीडियो पोस्ट करूँगा आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा, ठीक है। तो गाइस ये था पूरा आज का वीडियो, और अभी भी आपने ज्वाइन नहीं किए क्लैट मेंटरशिप प्रोग्राम के ग्रुप्स, तो लिंक है, मेरा नंबर है, जब भी लगे एट द एंड ऑफ द डे डाउट में मत रहना, और अपनी जो मार्क्स आ रहे हैं उनको रियलिटी मत समझो, बदल सकते हैं, करिए तो एलिमिनेशन मेथड में बताएं करके देखिए 101% आपके चेंज होंगे। आप अभी टफ में टाइम गवा रहे थे और ईजी को छोड़ रहे थे, वैसा नहीं करना, ये जो मैंने आपको बताया करिए, कोई भी डाउट है तो आप कॉल कर सकते हैं, आप सीधे मैसेज कर सकते हैं। सो गाइस थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।